ये रही का क्या कर दिया तुमने? इधर दिखा, इधर दिखा। और गाइस यहाँ पे इन्होंने राशन जमा कर लिया, देखो जरा। और गाइस हमें चेजअप से फिलवक्त तो कोई वैरायटी समझ नहीं आई, इतनी लो वैरायटी और इतनी कॉस्टली दे रहे थे, तो अभी हमने सोचा कि अगर कॉस्टली लेने हैं तो किसी ब्रांड पे चला जाए यार, चार दिन बच्चे पहन तो लें। बस रख दो, लगा दो अंदर, लगा दो। तो बच्चों को तो बहुत मजा आया, ये तुम्हारी औलाद है ना, उल्टे पुरजों वाली। तो फाइनली ये देख लो, इसने भी लूट लिया हमें ना, टू पीस लिए। कौन सा लूटा है मैंने, खुदा के टू पीस फ्री आता है। तो अब भैया के कपड़े ना ठीक है, ढूंढने की नाकाम कोशिश होती है, ढूंढ लूंगी। ईद के तीन जोड़े आपके पास हो गए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, एक से ऊपर हो गया, निकलने की करो ठीक है। हाँ जी, एक से ऊपर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फिट फाट, जबरदस्त। तो गाइज एक बहुत बड़ा ना ठीक है, लोचा आ चुका है, फड्डा आ चुका है। फड्डा क्या, ये देखो जरा। हाय करें, अस्सलाम वालेकुम करें, हाय करें, हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। नुकसान वाले ब्लॉग में क्या हुआ, नुकसान करने वाला ये बंदा है ना, ये देखिए। ना ना गाइस, मैंने नुकसान नहीं किया, मेरी रिंग तोड़ दी है इसने, ऐसा बर्बाद। मैंने तोड़ी है जी हाँ, मैंने तोड़ी और किसने तोड़ी है गाइस? तोड़ी मैंने नहीं है, मैं ठीक है सोया हुआ था तकरीबन। हाँ मेरी ये खता हुई है, मैंने नवाब साहब को जाके बोला उठ जा चले इफ्तारी लेने, कोई सामान वगैरह लेते हैं, इतना नींद में मदोश हुआ था, इसने यूं करके मेरा हाथ पीछे की तरफ दिया, कुछ रिंग की शामत आई भी थी मेरी, गलती से हो गया। तोड़ी मैंने नहीं, ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती, ठीक है गलती से। तो सही, मेरे पैके लाके करेंगे मेरी, ये फंस गया यार, नहीं टेंशन, मैं अपनी जान को रिपेयरिंग करवा दूंगा, टेंशन नहीं, मैं रिपेयरिंग नहीं। दिमाग जरा सही है, ठंडी पै जा, रिपेयरिंग है। मैंने इसे गाइस बोल दिया था ठीक है, मैं तुम्हें रिपेयरिंग करवा दूंगा ठीक है, मेरी नहीं तोड़ दिया, तुमने तोड़ दिया। मेरी बात याद रहा, मेरी बात याद ना 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 गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है, मैंने अगर तोड़ी है ना, तोड़ी मैंने नहीं, गलती से मैंने हाथ पीछे किया, टूट गई है ठीक है, तो इसका ठीक है, इसका ठीक है, अगर गलती से हो गया ना तो मैं इसे रिपेयरिंग करवा के दूंगा, नए का कोई सीन नहीं, मैं पहले बता दूँ। बहुत तेज हो रहा है सब, एक मेरी बात, मेरी एक बात याद रखना, गोल्ड को देगा, गोल्ड में कितने का पैसे डालने पड़ेंगे, 2-3 हजार रुपया देगा मेरी जान ठीक है, 2-3 हजार ये गोल्ड है ठीक है, कोई ये नहीं है, वो कुछ सब्जी के साथ पैसे देगा, गोल्ड है, गोल्ड आप लोगों को पता ना गाइस, गोल्ड कितना जो है ना, मेरी बात सुन लो, मेरी दिमाग खराब मेरा मत करो, मेरी एक ही बात है, मैं नई नहीं लेके दूंगा, इसे मैं रिपेयरिंग करवा दूंगा ठीक है, इसके 2-3 सौ रुपया लगेगा, 2-3 सौ लगेगा ऐसे तांबे की, मेरा काम है ठीक है, 2-3 सौ रुपया लगेगा भाई, सिर्फ टांका लग जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगी। गाइस आप लोग बताओ सोने के उसको टांका लगवाने के लिए कौन सा, मेरा काम है ठीक है, 2-3 सौ ऊपर नहीं लगेगा, मैं तो 3-4 हजार रुपया लगाने के चक्कर में, 4 हजार लगाना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, छोटी सी मैं तो मस्ती मत लो ठीक है, बेहतर तुम्हारे लिए यही है, चलो ठीक है। और गाइस अभी ठीक है, कह रही है रोजी अफतारी वगैरह ठीक है, बनानी को नहीं है, मैंने कहा चलो अफतारी करवा दो, अफतारी करवा दो, आओ तुम लोग अफतारी करवा दो सही जो ठीक है, अच्छी जगह से अफतारी करवा दो, अफतारी तो करवा दो, देखो ठीक है, टूटी हुई है यहाँ से, इस तरह फड्डेबाजी में ठीक है, कुछ भी नहीं घर पे बनाया और टाइम हमारे पास कम है, इन लोगों को आज मैं स्पेशल जैसे अफतारी करवाने लगा, बात करके दो क्या इसका क्या करना है मेरे को, नहीं चाहिए मैं इधर रिपेयरिंग करवा दूंगा ठीक है, जो टाइम नहीं जल्दी निकलो, रोजा खोलने का टाइम कम है, मेरी बात सुनो, आगे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरी बात सुनो, उधर 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 ड्रामे मत कर, ये रिंग का क्या कर दिया तुमने, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा गाइस, ये देखो गाइस ये टूटी ना इधर से, इससे हम लोग ठीक है रिपेयरिंग करवा, यहां से भी टूटी है देखो, चल ठीक है ड्रामे करने की जरूरत, चला कसम यहां से भी टूटी है देखो, देखो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और गाइस हम लोग आ चुके हैं मेन चौराहे पे, अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे नया फरमान जारी किया भाई, वो ये है कि हम लोग सड़क पे आज जो है ना अफतारी करेंगे, इस सड़क के ऊपर कोई अफतारी शफतारी का दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं है, बंदा है पता नहीं क्या चाह रहा है, मेरे को कोई नहीं पता। और गाइस लग रहा है किस्मत खुल गई है, एक जगह में अफतारी नजर आ रही है, तो जाओ अब्दुल्ला साहब खुद ही मांगो, जाओ जाओ बच्चे, चलो गाइस अब बिरयानी की जगह नजर आ गई है, क्या चाह रहे हो तुम यार, यहाँ पर हम लोग जो ना बैठने लगे आज, आप लोग भी देखें हम लोग क्या कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे इन्होंने राशन जमा कर लिया, देखो जरा, और ये बिरयानी खा रहे हैं, कुछ चीजें बांट भी देते हैं ना, कुछ चीजें बांट रहे हैं, हम खरीद कर लाए थे, बाकी दो बॉक्सेस मिले हैं, और यहाँ पर जो है ना ये बिरयानी मिली, तो चले रोजा खोलते हैं, रोजा खुल गया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये बिरयानियाँ फोड़ रही है हमारे पास, समोसे, बिरयानी, जूस, शरबत, पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखो बताओ कैसा टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तुमको मैं बताती हूँ। तो गाइस इधर देखो आज अफतारी, ये मेन शहरा पैदल पे, मेन शहरा पैदल पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठ के अफतारी कर रहे हैं, ये कोई लेडीज़ वगैरह भी हैं, फिर चेक करें, अच्छा लग रहा टेस्ट, अच्छा मज़ा आया, शुक्र। आज मेरे को कह रही थी होटल के ऊपर ना, ये भी क्या कहते हैं रोड वाला होटल है ठीक है,
सर्दी ज्यादा मजा नहीं है। चलो गाइस अभी कुछ समोसे हम लोग बांट देते हैं, ये ना अगर हमसे बच जाए ना, ठीक है? कुछ समोसे लो खरीद के लेके आए थे। A few moments later. और गाइस आज इस बंदे ने ना 0 रुपए खर्च करके अफ्तारी की है और सड़क पे मेन सारे फसल पे किया। हाँ समोसों पे लगाया थोड़ा सा पैसा और बाकी जो है ना कुछ समोसे दे दिए, कुछ समोसे रस्ते में ले लेंगे हम लोग, एक आध रख लेंगे बच्चों के लिए अगर इनको मॉल में तंग करें भूख के लिए। और ये यहाँ पे ना मुस्तफ़ा के जूते बहुत ही जलील करते हैं, कहीं पे भी बोलते हैं मुस्तफ़ा जो है ना पहने नहीं आते है ना मुस्तफ़ा। मजा आया भैया और गाइस हम लोग वहाँ पे बैठ के अफ्तारी कर रहे थे कि वहाँ पर हमारे एक फॉलोअर जो है उन्होंने हमें पहचान लिया, हमें क्या इस लौंडे को पहचान लिया इसको, और वो कहती है हम आपके इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं। तो बहुत खुशी हुई, हमारे जो है ना फैंस जो है वो भी हमारे साथ ही अफ्तारी कर रहे थे। क्यों बुला साहब? हाँ रोड के ऊपर देख लो कैसे जाए तो मैं लेके आया। वाह जी वाह जी वाह जी, दाद देनी पड़ेगी इस बंदे को, अब ये दाद देगा मुझे जब होगा खर्चा। हम लोग अभी जो है ना उसकी तलाश में जा रहे हैं। किसकी तलाश में? मला कपड़ा जो वेल्डिंग करेगा तुम्हारी रिंग। वेल्डिंग नहीं करेगा, जूलर की तलाश में जा रहे हैं। जो हमारा जूलर है ना फेवरेट जूलर, उसकी तलाश में हम जा रहे हैं। पता नहीं इसकी शॉप खुली है बॉस की नहीं खुली, नहीं नहीं अभी देखते हैं, मेरा ख्याल खुली नहीं है उनकी, तो भाई 24 आवर्स खुली रहती है। मोए मोए हो गया क्यों? मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ जूलर के बारे में। 24 घंटे खुला होता है मगर सदर आने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, जूलर बंद करके जा चुका है। मुझे लग रहा है उसने भी अपने बीवी बच्चों को शॉपिंग कराने गया और ये बंदा बच गया, और इसके चेहरे की खुशी देखो अबे साले। और गाइस यहाँ पर तो चेजअप पे इतना रश लगा हुआ है, आप लोग देखो रोजे के बाद आवाम खड़ी हुई है कि भाई निकले सही बंदे, और हम लोग भी खड़े हुए हैं बाहर। क्या चले अभी जगह तो, और आज कराची में खासी ठंड है और ये देखें ठंडी ठंडी हो रही है। क्यों जी ठंड है ना आज? मुझे लग रहा है कोयटा वगैरह में जो है ना वो ठंड सर्दी वगैरह पड़ी है और यहाँ पे इतनी हल्कत है। तो चलो हम लोग ऐसे ही आगे पीछे घूमते हैं, आ जाओ ना आओ आगे पीछे करते हैं। इतनी आवाम है गाइस, जब अंदर जाएगी तो फिर हम जाएंगे ना। और लड़के आप यहाँ पे बैठे मुस्तफा, आप जो है ना बाइक की हिफाजत करो, ठीक है? ठीक है ये भैया कौन सी पसंद है भैया? तू क्या कह रही है? नहीं हाँ और भी बात सुन, और भी देख ले, और पहले देख ले, चलो आगे भैया पसंद करो और देख लेते, ठीक है? अरे इतनी महंगी फ्रॉक से एक गरारा शरारा क्या होता है महंगा, वो पसंद आया कि उसको साइड में की मांगे। ये देखो इस तरह की कैसी है, ये तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मली चलने के लिए ना, ये तो नॉर्मली पागल हो गए दुल्हन बना के नहीं, कम से कम ईद ऐसे ही है ना बंदे की भी। हैप्पी बर्थडे पे अलग चीज़ है, ईद के ऊपर अलग चीज़ है, ईद पे जितना बार होगा उतना अच्छा लगेगा। ये स्टाइल नहीं मुझे नहीं समझ आया बिल्कुल ना गाइस, कसम से जब भी आओ ना यही लड़का जो है ना ये अपने खिलौनों की तरफ हो जाता है। अभी भी है ना दोनों बाप बेटे जो यहाँ पे लग गए। हाँ जो आपको समझ आ रहा है वो ले लो, जो नहीं समझ आ रहा छोड़ दो। सच पूछो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये देखो इसने यहाँ पे जो है ना खाड़ा खोला हुआ है और ये नन्हे मियाँ को हमने यहाँ पे ना फ्रोज किया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे टिकेंगे तो हम कुछ काम करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आओ उधर से चलते हैं और जाके लेते हैं। चलो आज जो है ना हम लोग उधर चलते हैं। भैया साहब को संभालें आप जरा, अपने खिलौनों की तरफ कम ध्यान दें, आपको ले दूंगी मैं खिलौना मगर इसको संभालना है अपने। One eternity later. और गाइस हमें चेजअप से फिलहाल तो कोई वैरायटी समझ नहीं आई, इतनी लो वैरायटी और इतनी कॉस्टली दे रहे थे, तो अभी हमने सोचा कि अगर कॉस्टली लेने हैं तो किसी ब्रांड पे चले जाओ यार, 4 दिन बच्चे पहन तो लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो 5-5 हजार की बिल आप बजा की फ्रॉक्स लगाएंगे और फालतू कारों का पड़ा इसको पड़ी है। इसको मैंने कहा था तो मैं कार दिला दूंगी इसको, ये 5-5 हजार की कारें लगी। नहीं मैं समझा वो 1000 या 500 की कार। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग मॉल चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कोई हमारे लायक है या बच्चे जो है ना ऐसे ही घूमेंगे। बता रही पानी की प्यास लगी तुमको, लेते हैं पानी, ठीक है गाइस चलो चलते हैं। और आज ना वो क्या कहते हैं ईद के चक्कर में बहुत ज्यादा रेट्स लगाए हैं, कोई हाल नहीं है भाई। सो गाइस अभी हम लोग जो है ना एटीएम पे आए क्योंकि पास जेब में टका दिला नहीं और हम लोग मेला मेला कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो हलकत है ना ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है, यकीन करो आप लोग दुम छल्ले हैं, ये मेरे छोड़ते नहीं है जान। तो अभी जो है ना हम लोग को पैसे निकलवाने की नौबत पेश आई है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं जाकर ना कोई चलो 15-15 हजार नहीं निकलवाने, नहीं यकीन करो जेब में 20 रुपए भी नहीं है कि वो ना अपना उसको दे दें क्या कहते हैं उसको यार पार्किंग वाले को। और यहाँ पर देखें अभी फातिमा और मुस्तफ़ा साहब क्या सीन बना रहे हैं आप, हैं इधर देखें जरा, ये कह रहे हैं पाँव दर्द कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब अगर आपको मैं यहाँ पे छोड़ दूँ मुस्तफ़ा, आपको मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो फिर मेरा ध्यान तो आपकी तरफ ही लगा रहेगा, ऐसी बात है ना। ठीक है तुम लोग आके करवाएंगे अभी नहीं करवाएंगे, ठीक है अभी गाड़ी नजर आ रही है मोहतरमा का, वो कह रही है गाड़ी में जाने दे, इसके ना इसके तो काम निराले होते हैं, मतलब शॉपिंग नहीं करनी है, नहीं करनी कपड़े नहीं लेने कपड़े नहीं लेने
सारा को लेकर दूंगी, मगर मेरे साथ तो जाना पड़ेगा ना शॉप पे। क्यों गाइस? झूला लेके देंगे वापसी पे, लेके सबको झूला वाला लेकर देंगे। चलो मेरे साथ अभी यहाँ पे किसी में नहीं बैठना, क्योंकि फिर जाना मसला हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। आओ मेरे साथ। क्या कर रहा बताओ, इधर बैठूं? तो गाइस मुस्तफा कह रहा है मैं थक चुका हूं, मैं टांग दर्द कर रही है, क्योंकि इस वजह से ना ये कह रहा है इधर बैठा दो मेरे को। नहीं नहीं चलेगा मेरा बेटा साथ में। क्यों बहादुर बच्चा, उठो, ये क्या बात हुई, कैसे मर गए हो शॉपिंग करने? इसी वजह से गाइस मैं इनको घर पर ड्रॉप करके आती हूं, है ना। ये देखिए बुड्ढे बाबे बने हैं, मतलब इनसे चला नहीं जा रहा। देखिए ये तो हाल है इनको, अभी से ये हाल है। जब शॉपिंग कर लोगी तो झूला भी मिल जाएगा लड़की। और गाइस वैसे भी ना आज कराची में थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, तो उसकी वजह से शायद नहीं नहीं बर्फबारी हो रही है। इसको तो ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी ठंड हो रही है, पूरे जेजब में से हम ये नन्ना मुन्ना फुटबॉल लेकर आए हैं, जो नन्ने मियाँ की फरमाइश पर आए हैं। रोते धोते नन्ने मियाँ को हमने चुप करवाने के लिए फुटबॉल ले दिया, और इस दफा ईद पर हमारा ये इरादा है कि दोनों भाइयों को सेम ड्रेस पहनाया जाए। और यहाँ पर इनके आउटलेट के ऊपर नाते वगैरह लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का डर था, इस वजह से मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। हमारी हस्ती खेलती शॉपिंग का दारोमदार नन्ने मियाँ के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और नन्ने मियाँ का मूड भागने दौड़ने पर डिपेंड करता है। जैसे ही हमने इनको शर्ट चेंज करवाने का कहा, और यहाँ पर वो लम्बे पे आ गए कि भाई हमें तो जना जरा भी कोई छेड़े ना। और यहाँ पे मैं इनके मिंत तरले कर रही हूँ कि भैया मान जा शॉपिंग करने आया है तू, कि यहाँ पे खेलने आया है। सो गाइज आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को ये दोनों भाइयों की शर्टें पसंद आई। गाइज हम लोगों ने कर ली शॉपिंग थोड़ी सी, क्योंकि ना बस मुस्तफा और उसके भाई के जाना चार शर्टें हमें, दो शर्टें मुस्तफा की, दो शर्टें कबीर लैंड की। अभी हम लोग उनको गाड़ी का झूला अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ये दोनों भाई फरारी के ऊपर जा रहे हैं। चलो जी, ओए जाओ जाओ जाओ, बोलते थे बैठाओ सही से, ताकि इधर बैठ लीजिए, इधर बैठ बैठ इधर बैठ जा, बैठ टेक लगा के बैठ, इधर ऐसे बैठ, बस चलता जी बैठा रहे। चलो जी चलाओ, अभी ये फरारी के ऊपर जा रहे हैं दोनों भाई झूला लेने के लिए। क्या कह रही, चलो अभी आप इस पर जाओगी, किसी देखना गिरे नहीं। तभी ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव पे दो भाई निकल रही है, और ये फरारी के ऊपर गए जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं। और अबिया की भी बारी आ गई, अबिया हाय तो कर जा, हाय तो कर जा अबिया। नहीं दोनों निकल गए ना, देखा जा रहा हूँ हाल है तुम्हारी, लास्ट तुम्हारे पे गए हैं उन लोगों ने, ठीक है बिल्कुल ना, हमें देखे ही नहीं है। मेरे पे नहीं गए, क्या और किस पे गए? क्या और गाइस यहाँ पे बच्चों के मजे हो रहे हैं, देखिए आप लोग। अभी फातिमा जरा इधर भी देख लो, हमें भी देख लो कहाँ गए। और इन लोगों ने तो ना स्टेयरिंग निकाल ली उसकी। ओ भाई नन्हे मियाँ को बहुत मजा आ रहा है भाई। तकदीर लैन, चलो जी पेट्रोल खत्म हो गया आपकी गाड़ी का। और ये क्या किया तुम लोगों ने, बस रख दो, लगा दो अंदर, लगा दो। तो बच्चों को तो बहुत मजा आया, ये तुम्हारी औलाद है ना उल्टे पुरजों वाली। चलो उतर आओ, पेट्रोल खत्म हो गया, आ जाओ। ये देखो इसको देखो, ये कर क्या रहा है। इधर देखो, स्टाइल चेक करो भाई, उठा ले हम इसको, आ जाओ बस, ठीक है। A few moments later. तो गाइस इधर अभी ना ये मुस्तफा का शलवार कमीज ले रही हूँ, और ये जो है ना साहब मुझे लेके नहीं ले रहे, बोले नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, लेके सही तो है। कलर अजीब है कोई खास कलर, इतने भी नहीं है ना, ये देखो पीछे का नहीं, दिखाओ कि समझ आया ना अच्छे वाला, तो फिर बात करेंगे। नहीं अच्छे वाला समझ आया तो फिर जरूर बताएंगे आपको। नहीं बात सुनो, अभी आगे देखा कोई? हाँ और गाइस यहाँ पे नया जो है ना मेरे लिए मुत्ता तैयार हो रहा है, वो ये है कि हमें फनलैंड में भेज दे बिल्कुल नहीं, पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। पिज़्ज़ा का पहले मैंने आपसे वादा किया था, मगर और कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ। चलो चलो खिलाओ इनको पिज़्ज़ा, मैंने वादा लगाया हुआ था। पिज़्ज़ा भी छोड़ो, मैं खा लिया था। अस्तग़फ़िर अल्लाह, कंजूस मक्की चूस बाबा कह रहे हैं पिज़्ज़ा को भी छोड़ दो। नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैंने किसी भी हाल में लेके देना। हेलो अच्छा मैं झूला ले लिया, अभी लिया झूला। यार ये गलती से मैं इस फ्लोर पर आ गई हूँ तो मेरी जान खा रही। चलो चलो फिर नेक्स्ट टाइम, चलो ना यार तंग नहीं करो। नहीं एक नहीं, एक नहीं, चलो अभी चलो। चलो जी हमने अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हमने चेयर्स का अरेंजमेंट कर लिया है, क्योंकि चेयर्स इतनी रश है यहाँ पे, पाँव रखने की जगह नहीं है। और मुस्तफा साहब का दिल जो है ना मुसलसल पीछे प्ले ग्राउंड में चलते झूलों पर लटका हुआ। और ये देखो, ये देखो, हाँ हाँ आप क्या कह रहे हो, आप नहीं करो। और गाइस
12,300 लड़के क्या कह रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक दिलवाएगा? हाँ नहीं तुझे मैं वैसे घर जाके ना उस पर मुस्तफा वो तकदीर लान के ना घोड़े पे झूला दे दूँ। 12,000 में से झूला लेके देते हैं और ना नंगा घूमना लगा लेते हैं। हाँ नन्ने मियाँ का दिल अपनी बॉल पे फंसा हुआ, कह रहा है बस बॉल और मैं हूँ, ठीक है। और अभी क्या खाना है बताओ, पिज्जा खाए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, पिज्जा खाए, पिज्जे की ब्रांड अलग है, बर्गर की अलग है, अल्लाह के बंदे। चलो सो गाइस अभी समझ कुछ नहीं आ रहा कि हम लोगों ने क्या खाना क्या नहीं खाना है, इनके अब्बा जान को पकड़ के हम लोग जबरदस्ती घसी के हमले हैं। क्यों जी मैं आना कितना शरीफों की तरह मुंह बना रहे हैं। ये बॉल जो है ना ये मुझे बहुत सता रही है, कहाँ गई बॉल? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ लड़के, ये देखो। तो चलो गाइस बैठ के तो कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर हम जाते हैं उठते हैं तशरीफ का टोकरा उठाते हैं और जाके ऑर्डर प्लेस करके आते हैं। तो चलो बिलाल साहब उठो ना, लो जी इधर तो डिमांडें बढ़ती जा रही हैं यार, आइसक्रीम भी तो ये भी तो वो भी तो क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ना मैं बताऊं क्या क्या कुछ नहीं, चलो चलो तुम्हारा छोटा सा पेट है, इधर इधर जरा मेरे इधर देखो, वो कहते हैं ना टेढ़ी खुई और मुंह चुई, वो तुम्हारी बेटी का हिसाब है, खा लेती है और मुंह उसका चुहे की तरह हंस रही है। चलो चले तो गाइस इधर हमारा पिज्जा आ चुका है, पिज्जा खाने के लिए रेडी हो गया। A few moments later. और गाइस अभी हम लोग बच्चा पार्टी पे आए हैं, ये देखो आप लोग डिजाइन वगैरह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हर जगह इतनी आग लगाई है, महंगाई महंगाई महंगाई, कोई हाल नहीं है। ये देखो देखो सब सिंपल सा कैसे, इससे ज़्यादा तो हम लेडीज का जाना सस्ता होता है, समझ आ रहा है? कोई ट्राई करोगे तो पता चलेगा, साइज छोटा देखो ना तो बड़ा, इतना बड़ा 12 साल की बच्ची का, ये देखो ये कोशिश हो रही है। मुझे पता बात सुनो तुम्हें नहीं मिलने इधर से ना, तकी ने अपना काम शुरू कर दिया। तकी अरे तकी किधर के साथ है, मेरी बात सुनो, ईद के ऊपर थोड़ा फैंसी कपड़े होते हैं, मैंने आपको बोला है वो इम्पोर्टेड आते हैं, ठीक है, फ्रॉक टाइप ना, वो इंशाल्लाह ले लेते हैं, ठीक है चलो निकलो, टाइम वेस्ट नहीं करो, क्या बात सुनो निकलो आज। तो गाइस इधर मुकाबले हो रहे हैं, बचपन में ये वाली गेम हमने भी काफ़ी खेली होती है, मुस्तफ़ा की बारी है। तो गाइस ये हमने 3 शर्टें मुस्तफ़ा की ली हैं, टी शर्ट चलो दिखाए इधर, कलर ठीक है, तीनों मैंने चूज़ किए, टी शर्ट ऐसी होती है ना। अच्छा बात सुनो 10 मिनट रह गए, बिल करवा जल्दी कर चले, ठीक है चलो है रखो जी मसला। तो इधर गाइस बच्चे अपनी भी गेमें खेल रहे हैं जी, देखना पीछे मारना नहीं किसी को। तो फाइनली ये देख लो इसने भी लूट लिया हमें ना, 2 पीस लिए, कौन सा लूटा है मैंने, खुदा के 2 पीस फ्री आता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तुम्हारे पास आया था कौन सा? हाँ ये अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा ना, ये ब्लैक कुत्ता भी है, नहीं बस ये ठीक है, चल लिया तूने, ठीक है जबरदस्त है यार, कंट्रास्ट वाला बंदा ये है, अभी बता अगर सही ना लगा ना ठीक है फिर हम तेरे को फिर बोलेंगे, कौन सा सही लगे? वाइट वाला, वाइट लगा तो किधर है वाइट, किधर है वाइट थोड़ी है, ये तो ऐसे वो नहीं है लाइट येलो नहीं है, लेमन टाइप कलर है ना ये, आप लोगों के पास कपड़े आते हैं उनके साथ की कंट्रास्ट। अच्छा ब्लैक, ऐसे ब्लैक नहीं जचेगा? ब्लैक नहीं है जी, पिछली दफा मैंने रेड लिया था यहां से सूट रूम के, तो ये जो रेड कलर रेड लगा कर, रेड लगा के थे रेड वाले, रेड तो बिल्कुल आउट हो गया ना, ये देखो वो मैरून टाइप अजीब सा कलर है, और उसके साथ वो अजीब सा, मेरा दिल रहने दे ना, नहीं हां पहले भी आपका दिल, नहीं मेरा दिल रहने दे, कोई जी वाइट वो वाइट है ही नहीं, तो ऐसे लगा हुआ ठीक है, हाँ वाइट वाइट लेमन कलर ठीक है, मुझे तो नहीं इसके यहाँ इसके साथ वाइट लगेगा या ब्लैक जचेगा मेरे यहाँ से, यहाँ हाफ वाइट टाइप ना वो लेमन ड्रिंक, इसमें हाफ वाइट है ब्लैक है भाई, बस अगर नहीं जच रहा ना तो चुने ग्रीन तो नहीं जच रहा, ऐसे नहीं पैसे लगवाना मेरे, छोड़ दे को छोड़ ले सूट लेगी है। तो अभी इनकी ना थोड़ी चॉइस चेंज हो चुकी है, पहले दूसरे कलर का लिया था लेकिन अभी कह रही है ब्लैक, पीछे उधर देखो सही, तो चलो अभी इन्होंने ब्लैक ले लिया, दूसरा तो वापसी करवा रही है ना, हैं क्या कह रही हो, तो बहुत तेज हो रहा है, तो पहले 2-3 पड़े हुए उनका क्या करना तुम्हें,
कोई बात नहीं, वापसी करवा लेना टेंशन। अब वापसी करवाना ठीक है, ड्रामे नहीं करने ठीक है। तो गाइस अभी ठीक है, ये दोनों के चक्रों में है, एक ही से दिलाए, दोनों के चक्रों में है। हैं दिला दें क्या जाता? नहीं, एक बस एक ब्लैक ठीक है। पहले दो है ना, ईद के तीन जोड़े आपके पास होंगे। सही, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, एक से ऊपर होगा, निकलने की करो ठीक है। हाँ जी, एक से ऊपर जी जी, हाँ 11-12। अब तो गाइस हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और ब्लास आप कह रहे हैं कि कल फिर आएंगे हम लोग शॉपिंग करने, आएंगे कि नहीं? चलो आएंगे। इतने बदतमीज़ कह रहे थे आएंगे 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 कि नहीं? तो उसके अभी आगे कर रहे हैं तुम लोग, नहीं करने हैं। नहीं नहीं, हमारी बेशक ना करें, हमने फिर भी जो है ना वो लूट लिया है एक सूट के चक्कर में। बाकी गाइस अभी आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, मगर उससे पहले आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने जो है ना अभिया की बर्थडे पे इतना प्यार और मोहब्बत दिया उसको, और इतनी ज़्यादा दुआएं और अप्रिसिएशन दी, उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। और आप भी करते थैंक्स आपकी तो पापा की परी। तो चलो आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, उम्मीद आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया चल लाइक कर दो, चैनल को पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक ये टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।